गाइस, माय यूट्यूब चैनल पे भी 000 में आप लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और देख सकते हैं पसीने से बुरा हाल हो रखा है मेरे गले का। देख सकते हैं इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं क्योंकि अभी ना एक घंटे से मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी, तो वहाँ से आई हूँ अभी शॉर्ट वीडियो बना के। और फिर हम सोचे छोटा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, तो इसके वजह से अभी मैं ऊपर आके अपने गैलरी में खड़ी हूँ क्योंकि गैलरी से खूब अच्छी हवा आ रही है दोस्तों, बहुत सुंदर से ऊपर छत से आ रही है, इधर गैलरी की तरफ से हवा आ रही है बहुत तगड़ी वाली। और आज ना दोपहर को हम चले गए थे, कहीं पे जाना था, तो मैं और मेरे हस्बैंड जी और मेरा बड़ा वाला लड़का, हम तीनों गए थे कहीं पे कुछ काम से, बट वो काम हुआ नहीं, तो हम लोग एक घंटे में लौट के आ गए। बट सिर में दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा तगड़ी वाला, क्योंकि वो चीज़ शाम को होता है और हम जल्दी पहुँच गए थे तो इसके वजह से। और फिर आने के बाद जब सो के मैं उठी तो मेरे हस्बैंड जी मजाक कर रहे थे, जो जाओ बेबी तुम्हें इतना पैसा देता हूँ अब चले जाओ वहाँ पे। तो मैं बोली अब तो नहीं जाऊँगी चाहे आप कितना भी पैसे दे दो, इसलिए क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा धूप थी ना, मतलब एक कदम हम जा नहीं सकते थे, ऐसा हाल था। और वो काम सुबह होता नहीं है, वो काम दोपहर के बाद होता है, मतलब कि ज़्यादा ही टाइम शाम के टाइम होता है दोस्तों। तो फिर देखूंगी, वो बुधवार को ही होता है तो हम अगले बुधवार को देखेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे। तो हे गाइज, अब लोगों को पता है अभी शॉर्ट वीडियो हम बना के और डायरेक्ट ऊपर चले गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, तो फिर हम बॉल को जूड़ा बना लेते ऊपर की तरफ, क्योंकि ना दोस्तों आपको पता है इतनी गर्मी के कारण गले में ना वो हो जाते हैं, गर्मी वो शेफोरे जैसे फुंसी वगैरह नहीं होते हो जाते हैं ना, तो इसकी वजह से ऊपर करके रखते हैं। और देख सकते हैं हम शॉर्ट वीडियो यहाँ पे बनाए थे और यहाँ पे रख के मैं बना लेती हूँ शॉर्ट वीडियो ऐसे फ़ोन को खड़ा करके, जीने की लाइट भी अच्छी आ जाती है एंड नीचे से ऊपर से सारी लाइट यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे मैं सेफ रहती हूँ ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे बना लेती हूँ। और हम पहले भी चैनल को चलाया करते थे, दूसरे कई चैनल चलाते थे ना, तो जब पहले हम किराए पर रहते थे वहाँ भी हम ऐसे ही बनाते थे जीने पर ही, हमारा किस्मत में लिखा हुआ है जीने पर वीडियो बनाना दोस्तों। और हम आ गए हैं नीचे, और आपको पता है हम उस दिन बताए थे वीडियो में आप लोगों को जो हमारा ऑर्डर ख़त्म हो गया है अब नहीं बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उनका जब जाने का टाइम हुआ, सब कुछ काम हो गया है शुरू, तो वहाँ पे ना कुछ घट गया है सामान वगैरह, वहाँ पे सामान नहीं कुछ पीस घट गए हैं, तो बोले कि अजय भाभी आप ना इतना पीस बना देना अगर बचा है तो आप लोगों के पास, तो हमने कल बचा हुआ था तो बना लिए। तो आज हमारा ना फिर से मतलब आ गया है, तो आज से लेके और कल शाम तक मुझे ना 400 पीस देने हैं उनको बना के, अगर बन गया तो बोल रहे थे भाभी अगर बन जाए तो। तो आप लोग देख सकते हैं ना, जैसे कि यहीं पे हम सो के उठे थे और बनाए रहे थे, तो उससे देखिए सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, और ये रस्सी भी देख गए थे, और मैंने इतना बनाई हूँ, ये देखिए इतना बना दी हूँ मैंने, अब पता नहीं अब कितना है कितना नहीं, वो हम गिनती करके देख लेंगे दोस्तों कितना है सो। और आज ना मेरे हस्बैंड जी घर पे ही थे, सब लोग हम वहाँ गए थे थक गए थे ना, तो सब हम सो रहे थे, मेरे हस्बैंड जी नीचे सो रखे थे ज़मीन पे दोस्तों बोले कि तुम लोग ऊपर सो जाओ हम नीचे सोते हैं हवा में, तो इसलिए। और पता है आप लोगों को, जैसे मैं बताती हूँ ना आप लोगों को, जो इधर मकान बन रहा है ना, उस मकान की वजह से मेरे घर में बहुत सीलन आ गया है दोस्तों, क्योंकि शायद बोलते हैं जो पन्नी रख के वो बनाना चाहिए, पन्नी नहीं डाले हमने क्योंकि वो दीवार पर जो पानी डालते हैं ना उसकी वजह से इस मकान में सीलन आ गया है दोस्तों। और इस शीलन की वजह से शायद हमारा मीटर जो है ना, उस मीटर में शॉर्ट भी रात को लगा है, तो क्या गिर जाता है पता नहीं, क्या लीवर की क्या बोलते हैं, गिर जाता है ना शॉर्ट वोट लगने पर, तो वो हमारे गिर गया था, तो देख रहे अभी तो खुला हुआ है, पूरी घर की लाइट चली गई थी दोस्तों, पूरी घर की लाइट, यहाँ पे शॉर्ट वगैरह लग गया है, पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं, क्योंकि ये दीवार में पूरे में शीलन आ रखे हैं, ये देख सकते हैं कैसा हाल हो रखा है दीवारों का बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को पता है हटाएंगे ना तो ये सब उखड़ रहा है, दिख रहा है ये, हाँ ये देख सकते हैं दोस्तों कैसे मोटे मोटे, देखिए कैसे मोटे मोटे सफ़ेद थी ये वाला ना फूल के, ऐसे हो गया है बिल्कुल, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कैसे हो गया, ये ना झर रहा है ये फूल के गया है सो, ये सब देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक सारे में दोस्तों, ये देख सकते ऐसे ऐसे फूल गया, अगर हम इसको हटाना चाहें तो ये ना सीमेंट दिखेगा, तो इसको हम नहीं हटाएंगे छोड़ देंगे, नीचे से तो और ज़्यादा ही आ गया है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं ये भी फूल गया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, हटाएंगे नहीं लेकिन इसको हम,
और यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये तो देखिए कैसे है, ये तो दिखने ही लग गया, ये अगर इतना दूर के हटाएंगे ना तो ये पूरा हट जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी फूला हुआ है, पूरे में सीलन आ गया हमारे घर में बिल्कुल ही, और इधर की तरफ भी इस दीवार में भी आ गया है पूरे में उधर की तरफ। तो ये ना नीचे का मंजिल तो अब बन गया है दोस्तों, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि अब तो दीवार ना जुड़ा गया है पूरा हमारे मंजिल तक, ये बोला पूरा ऊपर तक हो गया है, अब उनको छत पर ना बाकी है, लेंटर होगा अब इनको तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो होना था वो तो हो गया, बेकार हो गया हमारा दीवार तो समझिए, इसको बिल्कुल ही झरझर के गिर रहा है, अंदर के सीमेंट जो होते हैं ना दोस्तों वो दिख रहा है यहाँ शीरन को। हमें पहले ही पन्नी डाल देना चाहिए इस पे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों, इतना दिमाग, मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे बट हमें पता नहीं था, मैंने कभी देख नहीं रखी थी दोस्तों मकान वकान बनते कैसे क्या करते हैं, तो इस वजह से, और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे जब भी हम ऐसे कर देंगे ऐसे, और हमारी छोटी सी लापरवाही छोटी सी गलती की वजह से ना ये पूरा दीवार हमारा ऐसी तैसी हो गया पूरा, इधर से बिल्कुल इतना नुकसान हो गया हमारा, ये पूरा लंबा यहाँ से लेके और वहाँ तक उस कोने तक पूरा हमारा बेकार हो गया है समझिए दोस्तों। चलिए एक बार अगर गलती हुई है ना, देखिए गेट खुला हुआ था मेरे बच्चों ने खोल दिया, चलिए एक बार गलती हो गया है हो गया, आप देखते हैं जब दूसरा मंजिल ऊपर वाला बनेगा ना तो हम ये वाला गलती नहीं करने वाले हैं अब बिल्कुल भी, इसलिए क्योंकि हम पहले अब सोच लिए हैं जो हम ऊपर वाले मंजिल बनने से पहले हम पन्नी को डाल देंगे, पन्नी ला के पन्नी को हम डाल देंगे ताकि हमारा ऊपर वाला मंजिल कम से कम बच जाए दोस्तों, क्योंकि इनका भी बनना है मकान ऊपर मंजिल और भी बनेगा इनका भी, तो इसलिए हम सोच रहे हैं ऊपर का तो कम से कम बच जाए, जो भी ग्राउंड फ्लोर में नीचे हुआ आप तो इतना हो ही गया है, और पड़ोस के मामला है हर किसी का भला हो जाए, अब छोटी छोटी बातों पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण इतने बड़ा नुकसान हो गया है आज। आप पता है दोस्तों आप लोग क्या बताओ, आप लोग थोड़ा सा हंसेंगे भी या कुछ भी करेंगे, जब हमने देखे ना सो के उठे तो मेरे हस्बैंड जी एकदम से वो हो गए, जो बेबी मैं पहले ही बोल रहा था आप लोग, तो पता है क्या किए हमने, हम मेरे हस्बैंड जी एक घंटा तक कूलर को चला के और छोड़ दिए दीवार सूखने के लिए, बोले कोई बात नहीं बिल आ जाएगा, तो एक घंटा तक यहाँ पे कूलर को हम रख दिए और यहाँ पे पूरी दीवार में हमें एक घंटे तक कूलर को चलाए ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए, जल्दी सूख जाए, ताकि वो ना वो जो फूल रहा है ऐसे करके फूल की और वो चीज़ गिर रहा है सीमेंट अंदर की जो दिख रहा है कम से कम वो रुक जाएगा, तो इसकी वजह से मेरे हस्बैंड जी कूलर को चला दिए एक घंटे तक, और उनका रात को पानी शायद नहीं, हाँ शायद पानी नहीं दिए थे रात को, तो आज हमने उनको बोल दिए हैं तो शायद हो सकता है आज भी नहीं देंगे पानी, कोई पता नहीं है। कोई चलिए कोई भी नहीं है दोस्तों, तो ना इसके वजह से, और आज बिल्कुल शाम हो गया है, अपना शॉर्ट वीडियो भी अभी 5 बजे बना के आए हूँ दोस्तों, बिल्कुल अभी 5 बजे बना के आई, अब हम फिर ना जा रहे हैं उसी काम को करने, क्योंकि अभी फिर ये वीडियो वगैरह हम जोड़ लेंगे जो भी ऐसे करना है सब कुछ करके एडिट वगैरह करके और फिर डाल के हम इसको डिलीट भी कर देंगे, क्योंकि अभी मेरे को फिर ये काम करना है, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है हम फ़ोन में नहीं रख सकते वीडियो वगैरह को या फोटो या कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह आप लोगों को पता ही है तो इसके वजह से हम डालते हैं अपलोड करते हैं और फटाफट से डिलीट कर देते हैं दोस्तों, और जा रहे हैं पंखा चलाएंगे, थोड़ी सी गर्मी लग रही है बहुत तगड़ी वाली दोस्तों, तो इसके वजह से, क्योंकि अब तो मई जून में तो गर्मी होता ही है, तो क्या गर्मी गर्मी करना है ना, तो ये गाइस तो जैसे देख सकते हैं मैं अभी जीने पे बैठ गई हूँ, इधर बाथरूम का गेट दिख रहा है आप लोगों को, और अब क्या कर सकते हैं, छोटी सी लापरवाही छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो आप लोग गलती वलती होने से पहले ही ध्यान रखिए, मेरे हस्बैंड जी पहले ही बोल रहे थे ध्यान रखने के, बट चलिए जो हुआ सो हुआ। चलिए दोस्तों फिर अब अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं और शायद इस महीने तक ही मेरा चैनल चलेगा, इस महीने के बाद शायद मैं लौट के इस पर अपने आने वाली हूँ, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि अब नहीं आऊँगी मैं यूट्यूब चैनल पर, बहुत मेहनत कर ली है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखना।